नमस्कार, मैं अभिषेक पांडे। दोस्तों, देश का नहीं, या पूरे मतलब वर्ल्ड का बोलूंगा, कोई सबसे धूर्त मक्कार और सबसे नौटंकीबाज पॉलिटिशियन नेता है तो वह है अरविंद केजरीवाल। इसके रोज कोई ना कोई चेहरा नाटक, मतलब डेली कुछ ना कुछ सामने आ जाता है, और रोज कुछ ना कुछ बहाना नौटंकी दिखा दिखा कर लोगों को बेवकूफ बना रहा है। और यही कारण है कि दूसरी बार वो मुख्यमंत्री बनने में कामयाब हो गया। उसका कहना होता है, वो कहता है हमेशा, मतलब पहले भी कहता था कि दिल्ली को पेरिस बना देगा, न्यूयॉर्क बना देगा, लेकिन अगर दिल्ली का असली चेहरा देखना है, जो मुखौटा लगा हुआ है, तो दिल्ली में आप आए। और दिल्ली के मैं कुछ इलाके का नाम आपको गिना रहा हूँ: लक्ष्मी नगर, मंडावली, जहांगीरपुरी, सुल्तानपुरी, यमुना विहार, संगम विहार, खानपुर। इन जगह पे आप जाएंगे तो आपको दिल्ली का असली चेहरा दिख जाएगा। उसके बाद आप थूकना चाहेंगे। मैं बता दूं, दिल्ली में 10 साल में ऐसा कुछ भी नहीं बदला। ऑलरेडी दिल्ली में सारे चीज थे, फिर भी मैं बता दूं कि दिल्ली के जो इन एरिया में यहाँ जाएंगे तो अभी भी 7 दिन में 4 दिन पानी ऐसे आते हैं कि बदबूदार पानी आता है, लोग नल खोलने से भी कतराते हैं। उसके बाद कई ऐसे इलाके हैं जो जहांगीरपुरी, सुल्तानपुरी, मंडावली, खानपुर, संगम बिहार, यहाँ जाएंगे तो यहाँ पे पानी नहीं आता है, तो टंकर से पानी आता है। टंकर के लिए रोज सुबह में 2 घंटे लड़ाई करते हैं, लोग गाली गलौज करते हैं, एक दूसरे का जान का दुश्मन बनते हैं, उसके बाद पानी लेके थोड़े से चले जाते हैं। ऐसी स्थिति है वहां पे। आप गली में घुसेंगे तो गली के नाम पे, मतलब कि मुतने वाला जो होता है ना, गलियारा गाँव में, वही मिलेगा आपको। एक रिक्शा नहीं जा सकता, ऐसे गली है वहां पे। तो ऐसी स्थिति है, मतलब निहायत ही धूर्त मक्कार इंसान है जो पिछले 10 सालों से दिल्ली की जनता को बेवकूफ बना रहा है। अगर मेरी बातों पे विश्वास नहीं हो रहा है तो आप इन इलाके में जाएं और रिपोर्टिंग करें। आपको मैं बता दूं कि दिल्ली में जैसे बोलता है कि स्वास्थ्य की व्यवस्था बहुत बढ़िया है, तो मैं बता दूं घंटा बढ़िया है। 10 साल पहले भी वही स्थिति थी, अभी भी सेम स्थिति है। आप वहां जाएंगे तो हाँ, यह कि मतलब इंडिया के सबसे टॉप डॉक्टर वहां बैठते हैं, जाहिर सी बात है कि टॉप हॉस्पिटल वहाँ पे है, लेकिन वहाँ पे जो बोलते हैं कि फ्री सुविधा है, सुविधा कुछ भी नहीं है। बड़े बदतमीज डॉक्टर होते हैं वहाँ पे, वहाँ के स्टाफ भी, अब मैंने राम लोहिया में जाके देखा, मैंने एम्स में देखा, वहाँ के स्टाफ इतने बदतमीज है, डॉक्टर इतने बदतमीज है। वही मैं आपको बता दूँ, वहाँ पे फ्री मेडिसिन के नाम पे वहाँ पे ठुल्लू मिलता है, मतलब 5-10 रुपए 2 रुपए जो फ्री दवाइयाँ मिलती, इसका कोई काम ही नहीं होता। महंगे दवाई के लिए लिख देते हैं, आप चले जाए बाहर से, मतलब दवाई मिलता ही नहीं है। समझिए कि फ्री की दवाई जिसका कोई काम ही नहीं होता है, वो दवाई आपको वहाँ पे मिलेगा। मेट्रो की सुविधा वहाँ पे ऑलरेडी पहले से थी, शीला दीक्षित के जो कांग्रेस के राज्य में ही, वहाँ पे जब शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी, उन्होंने ही इसका शुरुआत कराया था। हालांकि दिल्ली देश की राजधानी है तो वहाँ पे अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ होती है, सारे संपन्न, सारी बड़ी कंपनियाँ वहाँ पे हैं, सारे अच्छे पढ़े लिखे बड़े लोग वहीं पे हैं, सारे पॉलिटिशियन देश के बड़े वहीं पे हैं, तो ऑटोमेटिक डेवलपमेंट तो होना जरूरी है। उसके बाद बता दूं कि कुछ भी ज़्यादा चीज़ बदला नहीं है। आज भी बहुत सारे इलाके हैं जहाँ की स्थिति फटियाल फटीचर वाली स्थिति है। आप जहांगीरपुरी से साइड में चले जाएं, इंद्रलोक से पीछे वाले एरिया में चले जाएं, मायापुर साइड में चले जाएं, बहुत ही गंदी स्थिति है वहाँ पे। अभी भी पुराने वहाँ पे ढहे पड़े घर हैं वहाँ पे, जो कब ढह जाए गिर जाए। रोड की स्थिति बहुत बुरी है वहाँ पे, अभी भी शिक्षा की स्थिति बहुत गंद, मतलब वहाँ दिन दहाड़े लोग वहाँ छिनौती करते हैं, क्राइम वहाँ पे होता है दिन दहाड़े पुलिस के आंखों के सामने। आप चले जाएं लाल किले से पीछे वाले एरिया में, दिल्ली 6 में चले जाएं, वहाँ पे ओरिजिनल आपको दिल्ली मिलेगा, जहाँ पे संकरी गलियाँ, मतलब बिल्कुल गंदे गंदे रोड, बिल्कुल शिक्षा का अभाव वहाँ के लोगों में है, मतलब कि बात करने का तमीज नहीं है उन लोगों में, बात बात पे चाकू और बंदूक निकाल लेते हैं, गाली गलौज माँ बहन की गाली देने चले जाते हैं। तो ये स्थिति है दिल्ली की। दिल्ली में अभी भी बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पे घंटों बिजली चली जाती है, पानी की स्थिति है, शिक्षा का अभाव है। शिक्षा के अभाव में देखा जाए तो जो बाहर के लोग हैं वे लोग शिक्षित हैं, वहाँ के जो प्रॉपर लोग हैं उनमें शिक्षा का अभी भी अभाव है, उनके बात संस्कार की कमी है। आप मुबारकपुर चले जाए, कोटला मुबारकपुर साउथ टेक से जस्ट पीछे है, वहाँ पे आज भी नाले रोड पे नाला बहता है, मतलब नाला में कीचड़ नहीं, टॉयलेट बहता है, इतनी बुरी स्थिति है। अभी भी फुल होता है और रोड पे सब चले जाते हैं, मतलब बहुत ही गंदी स्थिति है। मतलब कि देखा जाए तो दिल्ली कुछ भी 10 सालों में सुधार नहीं हुआ है, इसलिए आप ऐसा भूल जाएं। और बेवकूफ़ जो बेवकूफ़ बना रहा है, इसका रोज कुछ ना कुछ काम धरना, अरे भैया
तुम्हारे दो बड़े नेता जो एक नंबर और तीन नंबर दोनों साले जेल के अंदर बंद पड़े हैं। बताओ भैया, अगर आपने कोई क्राइम नहीं किया है, कोई गलत काम नहीं किया है, तो अब तो जेल में क्यों गए हो? अब बिल करे बाहर चले आओ। भैया एक साल से तुम्हारा कानून मंत्री जेल के अंदर है, साला जेल के अंदर बैठ के हो, बताओ, मालिश करा रहा है, खाना उसको 5 स्टार वाला खाना उसको मिल रहा है। बताओ, बोलते हो कि एक किया जा रहा है, वो किया जा रहा है। इतनी मतलब कि लोगों को बेवकूफ बनाना भैया बंद करो, तुम भी जाओगे बहुत जल्द अंदर।